साइंस का भी हमारा मैथ चैप्टर चालू हो गया सबस्टन इन डेली यूज, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। हमने फिफ्थ चैप्टर में देखा है कि हमारे आसपास कैसे सबस्टन होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस, तो अभी उस सबस्टन हम डेली यूज में डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं हम देखने वाले। चैप्टर 6 सब्सटेंस इन डेली यूज। चलिए तो पेज नंबर 42 निकाले। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर दिए है और रिकॉल करने के लिए बोला है। फर्स्ट दिया है विच थ्री ऑब्जेक्ट डू यू सी इन दिस पिक्चर, तो ये जो पिक्चर है इसमें आपको कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर हाउ डिड यू आइडेंटिफाई देम, तो ये जो चीजें है वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जैसे कि ये चेयर है, टेबल है, फिर ये जो है आपको कबोर्ड है, लेकिन जो है वो अलग अलग मेटर से यहाँ पे बने हुए डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ये सभी। व्हाट मटेरियल आर यू दे मेड ऑफ, तो किस मटेरियल से यहाँ पे बने वो यहाँ पे आपको ढूंढना है, लिखना है। फिर एंड फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे कैन एनी वन दिस थ्री मटेरियल्स दिस मटेरियल बी यूज टू मेक ऑल दिस थ्री ऑब्जेक्ट, तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो तीनों में यहाँ पे यूज किया गया है ये आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे दिया है सब्सटेंस एंड ऑब्जेक्ट, तो ये जो सब्सटेंस है और ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, तो जो भी यहाँ पे सब्सटेंस होते हैं फिर वो लकड़ी के हो या किसी भी चीज के, तो वो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स यहाँ पे बने हुए जाते हैं। ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस, तो ये जो ऑब्जेक्ट है टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, टेबल जो है, फिर हमारे जो कबड़े वो सभी जो चीजें वो यहाँ पे सब्सटेंस से बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्ट है वो स्पेसिफिक शेप, तो ये जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो उसको एक स्पेसिफिक हम शेप देते हैं। देयर पार्ट्स हैव अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट, उनको जो है उनकी जो अलग अलग पार्ट है उनकी अलग अलग उनकी अरेंजमेंट हो की जाती है। बाय विच वी आइडेंटिफाई देम, इसकी वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते कि ये चेयर है, ये टेबल है, या कुछ उनके अरेंजमेंट की वजह से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी यूज वुड, प्लास्टिक और स्टील टू मेक अ टेबल, चेयर और कबर्ड, तो जैसे कि हमें जो टेबल चेयर है वो अलग अलग मेटल की भी हमें मिलती है, वुड की, लकड़ी की, प्लास्टिक की, या हमारे स्टील की भी हमें मिलती है, तो इससे अलग अलग सब्सटेंस वो बनाई जाती है। दिस सब्सटेंस हैव द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू मेक दिस आर्टिकल्स, तो ये जो आर्टिकल्स बनाने के लिए उनके लिए एक स्ट्रेंथ होनी जरूरी होती है। ऑल्सो दिस सब्सटेंस कैन बी गिवन अ डिजायर्ड शेप, तो उनकी वजह से क्या करते हैं कि उनको एक अलग अलग शेप हम दे सकते हैं। इट मीन्स दैट वी कंसिडर द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू यूज देम फॉर मेकिंग थिंग्स, तो ये जो सब्सटेंस है उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, फिर उनकी मेल्ट करने की हो या उनकी जो ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी कि जो उसकी ट्रांसपेरेंसी होती है, फिर उसकी जो फ्लूडिलिटी होती है, जो उसकी जो हमने ऐसे प्रॉपर्टीज देखी थी कि सोलुबिलिटी होती है, तो ऐसे सब्सटेंस की जो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करके उनको अलग अलग ऐसे शेप दिया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज के ध्यान में रखते हुए। दस सेम सब्सटेंस और मटेरियल कैन बी यूज टू मेक एनी ऑब्जेक्ट, तो एक ही सब्सटेंस से सेम सब्सटेंस से हम क्या कर सकते हैं अलग अलग जो है ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेटेस्ट स्टडी हा सम सच एग्जाम्पल, तो हम उस एग्जाम्पल को देखेंगे कि कैसे एक ही सब्सटेंस से हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं। जैसे कॉटन है, कॉटन से हम यहाँ पे क्लॉथ बनाते हैं, फिर फाइबर और थ्रेड भी बनाते हैं, साड़ीज बनाते हैं, हैंडकरचीफ बनाते हैं, कर्ट्स बनाते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स बनाते हैं, पिलोस बनाते हैं, तो ऐसे अलग अलग एक कॉटन है, एक सेम सब्सटेंस है, तो उस सिर्फ एक कॉटन से हम अलग अलग चीजें क्लॉथ हो गए, फाइबर्स हो गए, थ्रेड, सारी से उनको अलग अलग उनकी प्रॉपर्टी की वजह से हम अलग अलग चीजें यहाँ पे एक चीज से बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं। फिर है आयन, आयन से हम क्या क्या बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टील बार, स्टील के बार बना सकते हैं, ग्रेविस बना सकते हैं, फिर है टावास जिनको यहाँ पे मराठी में बोला है, फिर है पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, टेबल्स एंड कबोर्ड्स, आयन से हम ये सारी चीजें यहाँ पे बना सकते हैं। फिर एल्यूमिनियम से हम यहाँ पे किचन यूटिलाइज मुझे मतलब ये जो किचन के पॉट्स होते हैं हमारे सभी हम वो यहाँ पे एल्यूमिनियम से बनते हैं। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल केबल्स है, जो इलेक्ट्रिकल केबल्स है वो भी यहाँ पे एल्यूमिनियम से बनते हैं, तो ऐसे एक ही चीज सब्सटेंस से हम अलग अलग चीजें यहाँ पे बनाई जाती है। बाय स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस वी कैन सिलेक्ट सब्सटेंस सुटेबल फॉर अवर पर्पज, तो हम हमारे जरूरत के हिसाब से हम जो है सब्सटेंस को यूज करते हैं। द सब्सटेंस इन एवरीडे यूज आर टू ऑफ मेन क्लाइंट्स, तो यहाँ पे जो सब्सटेंस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और दूसरे होते हैं मैन मेड। नेचुरल मतलब जो हमें जो है हमारे नेचर से हमें डायरेक्टली मिलते हैं, और जो मैन मेड होते हैं कि मैन क्या करते हैं उनको यहाँ पे क्रिएट करके फिर हमारे तक पहुंचाते हैं, तो वो मैन मेड होते हैं। फिर आपको एक एक्टिविटी दी है, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट इन योर हाउस एंड नोट डाउन द सब्सटेंस
दे आर मेड ऑफ, तो जैसे कि हमने देखा कि मैनमेड और नेचुरल ऐसे दो हमने यहाँ पे देखे है टाइप, तो उसमें से आपको लिस्ट करनी है ऑब्जेक्ट की, और वो आपको लिखने की वो नेचर से हमें प्राप्त हुए है या फिर उसने उसको मैन ने ऐसे बनाए है, तो ऐसे उनको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, सब्सटेंस है आपको उनको उनके यूजेस के हिसाब से आपको उनको क्लासीफाई करना है, जैसे सैंड हो गई, सोप, ऊल, विंडो ग्लासेस, बाम्बू, कॉटन, ब्रिक्स, सिल्क, लीफ वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल्स, सीमेंट, फिर है फ्रूट, वाटर, शुगर, तो उनका यूज क्या है उनके हिसाब से उनको क्लासीफाई करना है। फिर है यूज योर ब्रेन पावर, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ईच ऑफ विच कैन मेड फ्रॉम द सेवरल सब्सटेंस, तो एक ही सब्सटेंस से अलग अलग चीजें जो बनाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे आपको बुक में एग्जाम्पल दिए थे, ये कॉटन हो गया, आयरन हो गया, तो एक सेम चीज से अलग अलग यहाँ पे चीजें बनाई थी, तो ऐसे आपको अनादर यहाँ पे लिखने एक सब्सटेंस की जिससे बाकी के यहाँ पे जो है चीजें बनाई जा रही है। फिर है आपको कैन यू टेल, फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ग्रुप्स ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस, तो हम यहाँ पे नेचुरल सब्सटेंसेस देखने वाले कि यहाँ पे आपको कुछ सब्सटेंस दिए उसमें से आपको दिखाना है बताना है कि जो यहाँ पे जो नेचुरल सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पे लेजर है, फिर ब्लूड है, फिर ऊल है, फिर कॉटन है, एंड वाटर है, एंड सॉइल एंड मेटल्स, तो इनमें आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेचुरल सब्सटेंसेस, सब्सटेंस अवेलेबल इन नेचुरल इज कॉल्ड नेचुरल सब्सटेंसेस, यहाँ पे बोला है कि जो सब्सटेंस नेचुरली अवेलेबल होते हैं हमारे लिए उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस बोलते हैं। ऑफ दिस सब्सटेंस ऑफ फर्स्ट ग्रुप आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप उनका बनता है नेचुरल सब्सटेंस का, ऐसा ग्रुप बनता है कि जो क्या होते हैं कि लिविंग थिंग्स के वजह से हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक सब्सटेंस, फिर जो हमें लिविंग थिंग्स के वजह से जो हमें चीजें मिलती है उनको बायोटिक बोलते हैं, यानी जैविक सब्सटेंस बोलते हैं, जैविक घटक। एयर, सॉइल, वाटर आर सब्सटेंस दैट आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, लेकिन जो एयर है, सॉइल है, वाटर है वो नेचुरली अवेलेबल है, लेकिन वो लिविंग थिंग्स से आए हैं क्या, कोई यहाँ पे एयर क्रिएट करता है कोई एनिमल या सॉइल कोई क्रिएट करता है क्या, बर्ड्स नहीं, तो वो यहाँ पे नेचुरली है लेकिन लिविंग थिंग्स से वो क्रिएट नहीं हुआ है, तो दे आर कॉल्ड अबायोटिक सब्सटेंस, इसलिए उनको अजैविक घटक ऐसे बोला जाता है। ऐसे यहाँ पे जो है सब्सटेंस जो है बायोटिक सब्सटेंस और अबायोटिक सब्सटेंस क्या होती है उनके यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख के दिए, तो वो आपको यहाँ पे बुक में लिखनी है और लर्न भी करनी है। सेकंड आपको दिया है हाउ आर लेदर और वूल डिफरेंट एंड जूट एंड कॉटन, तो यहाँ पे जो कॉटन है और जो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे डिफरेंस क्यों है, जो लेदर है वो यहाँ पे क्या होता है कि उनको जो है यहाँ पे बनाया जाता है, और जो कॉटन होते हैं वो हमें प्लांट से मिलता है, तो ऐसे उनके डिफरेंस है। लेदर एंड वूल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स, यहाँ पे जो लेदर एंड वूल है वो क्या करते हैं, जो हमारी गोट होती है तो उनकी वजह से हमें यहाँ पे जो है वूल मिलता है, तो ऐसे वो एनिमल के थ्रू मिलता है, लेकिन जो कॉटन है वो यहाँ पे जैसे कि आपको पिक्चर भी दिया है वो हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। दे आर जो लेदर यहाँ पे एनिमल से मिलता है उनको क्या बोलते हैं, दे आर ऑफ एनिमल ओरिजिन, वो कहाँ से आते हैं, एनिमल के ओरिजिन से आते हैं। जूट एंड कॉटन आर सब्सटेंस ऑफ प्लांट, प्लांट ओरिजिन, तो ये क्या यहाँ पे प्लांट की वजह से मिलता है इसलिए उनको प्लांट ओरिजिन ऐसे बोला जाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन दिया है डू वी फाइंड प्लास्टिक, नायलॉन्स, ब्रास और सीमेंट इन नेचर, तो यहाँ पे जो प्लास्टिक है, नायलॉन है, फिर जो ब्रास एंड सीमेंट होते हैं वो हमें नेचुरली मिलते हैं क्या, तो ऐसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया है तो नहीं मिलते, तो वो यहाँ पे क्या है, फिर वो मैन मेड है, तो हमने यहाँ पे नेचुरल थिंग्स देखी है जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिए है, यहाँ पे आपको कुछ नेचुरल चीजों की यहाँ पे आपको सब्सटेंस की यहाँ पे आपको पिक्चर दी है, जैसे कॉटन हो गया, लकड़ी होगी, तो ये हमें प्लांट से मिलते हैं, तो यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स, प्लांट भी क्या यहाँ पे लिविंग थिंग्स है, तो वो यहाँ पे बायोटिक सब्सटेंस हो गए, और जो एयर होती है, वाटर होती है, फिर जो लैंड होती है, हमारी सॉइल होती है, जैसे यहाँ पे सॉइल का पिक्चर दिया तो वो क्या है, अबायोटिक सब्सटेंस है, जैविक घटक, वो यहाँ पे लिविंग थिंग्स से मिलते हैं क्या, नहीं, वो नेचुरली अवेलेबल होते हैं लेकिन वो लिविंग थिंग्स से अवेलेबल नहीं होते, तो ये हमने यहाँ पे नेचुरल सब्सटेंस देखे, जो मैन मेड यहाँ पे सब्सटेंस है वो अगले वीडियो में देखेंगे कि वो क्या करते हैं, मैन बनाते हैं इसलिए उनको क्या बोलते हैं, मैनमेड सब्सटेंस बोलते हैं। ओके, थैंक यू।